तो जी यहाँ कर लेते हैं पहले फ्लेम को ऑन। इस वाले पैन में एक बार चाय बन चुकी है, अब मैं इसमें दोबारा चाय बना रही हूँ अपने लिए। सीधा मैंने दूध डाल दिया इसके अंदर, चाय पत्ती, चीनी, ये सब डाल के पकाऊंगी चाय को, क्योंकि अभी मुझे करना है नाश्ता। तो ये मेरी चाय इसलिए बन रही है क्योंकि मुझे चाय चाहिए कि नाश्ते के लिए, कुछ ना कुछ, चाय के बिना मेरा नहीं चलता है। चाय मेरी बन चुकी है यहाँ पे, तो डाल लेते हैं अपने मग के अंदर। मैं स्टील मग में ही अपनी चाय लेती हूँ, तो अभी किसी और की चाय बनेगी नहीं, मतलब जैसे कि वाणी की भी नहीं बनेगी इस टाइम, आदि भी जा चुका है, तो मेरी ही हेलो चाय है एवरीवन, बस। वेलकम बैक आर चैनल। तो व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने अभी कर दी है मॉर्निंग से ही। अभी मैंने बस अपना चाय नाश्ता ही किया है, बाहर वाले कमरे में बैठी हूँ मैं अभी। और आदि गया है आज स्कूल, आदि का ना शाम को मैसेज आ गया था तो स्कूल वालों का कि ना आज से मतलब स्कूल उसके ओपन हो गए हैं, तो आदि तो चला गया है स्कूल। और वाणी ने आज छुट्टी की है कि वाणी के भी एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए वाणी बोली कि मुझे तैयारी करनी है और आज मतलब उसके कॉलेज में ज़्यादा कुछ होने वाला था नहीं, तो इसलिए वो घर पे रह गई है। और बस मैंने अभी कुछ खास किया नहीं है काम, अभी उसमें नाश्ता वगैरह बना है, योगा किया है, मतलब इतना ही कुछ हुआ है। मतलब ये इस टाइम तक तो यही होता है, खाना पीना ही बनता है क्योंकि बच्चे जैसे स्कूल कॉलेज जाते हैं ना, तो इतना ही काम नहीं होता है मेरे से, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ अभी। और आज वाणी ने ऊपर की तरफ जो ऊपर वाले पोर्शन में झाड़ू वगैरह निकाल दी थी, और अभी पानी भी आया हुआ है। सामने एक लेडीज भर रही है, मैं उसको ही देख रही थी, तो मैं अभी पानी के लिए भी मोटर चला के छोड़ दूंगी, पानी भर जाएगा। वो देखिए मेरा रूटीन ना सारा ख़राब हो गया है। मतलब ब्लॉग मेरे मतलब स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग से करती हूँ, मतलब जैसे कि मैंने कल कुछ भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, कल का जैसे बनाया मैंने वो उतना ही मैंने वो डाल दिया था। अब जैसे मॉर्निंग से स्टार्ट किया है तो शाम तक का बनाऊंगी, तो फिर मैं उसे शाम को ही अपलोड करूंगी। मॉर्निंग में नहीं जा रही है मेरी वीडियो, शाम को ही जाएगी शायद ये वीडियो भी मेरी। और इतनी मेहनत करने के बाद भी रिस्पॉन्स कुछ खास है नहीं, मैं इतनी मेहनत भी कर रही हूँ, और जो जो लोग आके यूट्यूब पे आके अपनी फेक थंबनेल लगा के या अपने आप झूठ झूठ बोल के सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनके व्यूज बहुत अच्छे से आ जाते हैं। लेकिन जैसे मैं अपनी लाइफ दिखा रही हूँ आपके सामने, शेयर कर रही हूँ, तो हम जैसे लोगों के व्यूज़ कम आते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या बात है, यूट्यूब उन वीडियो को ही वायरल करता है। मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरी वीडियो कहाँ तक जाती हैं, लाइक्स और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं। इतना रिस्पॉन्स, इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है यूट्यूब से बिल्कुल भी, जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ। और जो लोग कुछ भी नहीं करते, अपने चैनल में कुछ दिखाते भी नहीं है, और बस खाली फालतू की मतलब झूठ बोल देते हैं आके कि मेरे चैनल के साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मतलब यहाँ झूठ झूठ बोलते हैं, मतलब आके सारा ही सब कुछ झूठ होता है, सारी बात झूठ बोल देनी, और फिर उन लोगों के व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। पर मेरा मानना ये है कि मैं झूठ, अगर मैं इस पे आके यूट्यूब पे आके झूठ बोलने लगती हूँ, कुछ भी झूठ बोल दूँ, आज अपनी फेक थंबनेल लगा दूँ, उस पे व्यूज़ तो आ जाएंगे, चलो ठीक है, एक बार आएंगे, दो बार आएंगे, कितनी बार हम व्यूज़ बटोर लेंगे ऐसे झूठ बोल बोल के इसलिए। लेकिन हम अपनी लाइफ शेयर करते हैं, जो भी हमने अपना किया है सुबह से लेके शाम तक का, या फिर मतलब दोपहर से लेके शाम तक, जितना भी रूटीन होता है, अगर हम बाहर गए हैं वो भी, या कोई बात है कुछ भी, सब बातें शेयर करते हैं इस चैनल के ऊपर आकर, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसीलिए फिर कई बार मन नहीं करता है इतनी मेहनत करने के लिए कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं है, और ऐसे ही मतलब हम ऐसे ही मनोरंजन कर रहे हैं बैठ के फालतू में ही, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा लगता है। तो प्लीज़ अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चलते हैं। आज सोचती हूँ, आज मतलब कपड़े नहीं है धुलने के लिए, मौसम भी अच्छा है, हवा भी नहीं है और धूप निकली हुई है अच्छी सी, तो आज सोच रही हूँ सूट की कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, या उस दिन मैंने बोला भी था तो उस दिन भी मैंने किया था अपना काम मशीन का, तो कुछ और सोचती हूँ, देखती हूँ आज के, क्योंकि नया वाला सूट जो मेरा था ना, तो मैं उसकी भी कटिंग करना सोच रही हूँ कि मैंने कहा मैं खुद ही सिल लेती हूँ, क्योंकि टेलर के यहाँ जाऊँगी। टेलर का पता क्या है, मैं बताऊँ टेलर की बात क्या है, कि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ आसपास, पहली बात तो यहाँ कोई टेलर कुछ खास कपड़े सिलता नहीं है। एक दो बार मैंने सिलवाए तो उसने मेरा सूट इतना बेकार तरीके से बिगाड़ दिए थे, बिल्कुल बेकार। और जिस टेलर के पास मैं सिलवाती हूँ कपड़े, वो अच्छे सिल देता है, मतलब वो अच्छे कपड़े सिलता है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी देता है।
तो यहाँ पे चला हुआ है मेरा क्लीनिंग का रूटीन। तो जो ये वाला प्लास्टिक बैग आप देख रहे हो ना, तो इसे मैं इसलिए साफ़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्क्रब लगा देती हूँ कभी कभी, मतलब 4-6 दिन में एक बार, क्योंकि ये जो प्लास्टिक बैग है इसमें ना मतलब चीनी आई थी, चीनी वाला बैग है ये, इसको मैंने धो के इसलिए रख दिया है, वो सूख जाएगा वहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर मैं सब्जी वगैरह जो है ना वो अपनी कट कर लेती हूँ, मतलब सब्जी क्या इसके ऊपर जो सब्जी के जो निकलता है, जो ऊपर से छिलके निकलते हैं वो मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ, तो ये मैंने इसीलिए रखा हुआ है। फिर सारा उठा के डस्टबिन के अंदर ऊपर से डाल देते हैं, तो थोड़ी आसानी हो जाती है। ऐसे सामान मैं अपने पास रख के रखती हूँ। यहाँ पे मैंने देखो चाय पत्ती उसमें छलनी में छान के रख दिया अलग, फिर उसको अलग रख देंगे, सूखा और गीला जो कूड़ा होता है ना वो अलग ही रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कूड़े का मतलब झंझट है बहुत ज़्यादा। पहले गली में आती थी गाड़ी कूड़े वाली, लेकिन अब नहीं आती है, तो अलग ही फेंक के आना पड़ता है, तो इसीलिए गीला और सूखा घर में ऐसे नहीं रख सकते, फिर स्मेल आ जाती है। तो यहाँ मेरे कुछ बर्तन थे जो सुबह अभी मैंने चाय बनाई थी, नाश्ता किया था बच्चों के दूध के, बाकी मैंने सब ना खाना वाना जो बना था तो मैंने वो वहाँ पे पहले ही धो के रख दिए थे, तो इन बर्तनों को भी साफ़ कर लेते हैं पहले। तो ज़्यादा नहीं थे ये, बड़े बर्तन 2-3 ही थे बस, और बाकी ये थे, तो इनको भी साफ़ करके लगा देते हैं। और ये आज की टिफ़िन की जो छोटे वाला बॉक्स है वो है ये। मुझे इस प्लास्टिक के बर्तन जो है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते धुलने में बिल्कुल भी, बच्चों के खासकर टिफ़िन, स्कूल टिफ़िन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इनको धुलते धुलते और आज भी ये पीछा नहीं छोड़ते हैं। मतलब स्टील बर्तन जो होते हैं ना, स्टील वाले हैं या मतलब दूसरे नॉन स्टिक वाले हैं, वो तो हम इजीली, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते, ना मुझे इनमें खाना सर्व करना अच्छा लगता है बिल्कुल भी, और ना मुझे ये पसंद आते हैं, लेकिन मजबूरी होती है बच्चों के। हालांकि जो ये स्कूल टिफ़िन है ना, इसके अंदर का जो है बाहर से कवर प्लास्टिक है, अंदर से स्टील का ये है जो डब्बी है, मैं तो अवॉइड ही करती हूँ अपने बच्चों को प्लास्टिक के डब्बों के अंदर खाना, वो भी गर्म खाना रख के देना, मैं कभी नहीं देती। सब्जी को पहले मैं बिल्कुल ठंडा कर लेती हूँ, पहले अलग निकाल के या पराठे बना के दे रही हूँ, कुछ भी सामान है, मान लो चावल बनाए, मैगी है, कोई भी सामान आप दे रही हूँ ना बच्चों को, तो पहले मैं उसको अलग निकाल लेती हूँ ठंडा करके, फिर मैं रखती हूँ, क्योंकि कभी भी प्लास्टिक के अंदर ऐसे खाना नहीं देना चाहिए, इसका रिएक्ट होता है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। या फिर ये कढ़ाई आती है जो आपकी एल्युमिनियम वाली कढ़ाई है मेरे पास, मैं उसमें बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मैंने अलग कर रखी है वो, क्यों ये नुकसानदायक होती है, इसीलिए मैंने सबको अलग कर दिया है, नॉन स्टिक वाले यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ किचन में अपने, तो ये मैंने क्या करती हूँ ना, इसके ऊपर विम जेल लगा देती हूँ थोड़ा सा, मैंने विनेगर का और विम जेल का एक वो बना के रखा था लिक्विड, वो मेरा ख़त्म हो चुका है, तो स्प्रे बोतल मुझे लानी पड़ेगी, क्योंकि जो घर की स्प्रे बोतल होती है ना, जो ये निकलती है कॉलिन वगैरह की, तो ये अच्छे से काम नहीं करती, तो मार्केट से एक दो स्प्रे बोतल लाऊंगी, उससे बहुत आसानी होती है। इसके ऊपर आप गैस का जो अपना चूल्हा है इसके ऊपर लगा दीजिए और बिल्कुल क्लीन कर देता है वो। तो यहाँ पर मैंने विम जेल लगा के पहले, और इस कपड़े से, कॉटन का ये कपड़ा है, इस कपड़े से सारे को सब जगह से मैं पोंछ दूंगी अच्छे से, हल्का सा पानी लगा के, तो सारी जो चिकनाई होती है ना, जहाँ भी हम यहाँ खाना बनाते हैं कुछ चिकनाई हो ही जाती है, पराठे हैं, सब्जी वगैरह है, तो जैसे हम छोक लगाते हैं तो छींटे वगैरह लग जाते हैं, तो इसीलिए बिल्कुल ये देखो यहाँ पे क्लीन कर दिया है मैंने, फिर ऊपर से लेके कॉटन का कपड़ा इसको पोंछ दूंगी। तो मेरी जो ये गैस का जो ये चूल्हा है, मेरा चेंज करने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी, क्योंकि इसे बहुत टाइम हो गया, इसमें देखिए शाइन बहुत है, और आज तक भी इस पर जंग नहीं लगा, जिसमें कि मैं इसे रोज़ ऐसे ही साफ़ करती हूँ, हमेशा ऐसे ही साफ़ होता है 2 बार सुबह और शाम को। तो ये जो मेरा किचन काउंटर है इसको सब जगह से पूरा ही साफ़ कर लेते हैं, कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे सामान मतलब कम रहे, सारा सामान कैबिनेट में रखूँ या बर्तन वाली सेल्फ जो है उसी के अंदर बर्तन लगा दूँ, लेकिन देखो यहाँ पे हो जाता है तो सुबह जी के काम टाइम से पे फ्री हो गई बहुत हूँ ज़्यादा आज, हो मैं थोड़ा जाता है जल्दी फ्री सामान। हो गई क्योंकि वानी घर पे थी ना, तो आज वैसे कपड़े भी नहीं धुले थे और वानी घर पे भी है, तो 2 कारण हो गए, क्योंकि पोंछा आज वानी ने निकाल दिया है और कपड़े आज मैंने धोए ही नहीं है, क्योंकि आज है वीरवार, तो कपड़ों की आज छुट्टी रहती है, कपड़े नहीं धोती मैं वीरवार को, और बस अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं खाना वाना, मुझे कुछ खाना नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि आदि शायद आएगा 1 या 1:30 बजे तक, तो फिर मैं आदि के साथ ही जो भी कुछ खाना होगा आदि के साथ खाऊंगी। अभी वाणी ने कुछ नहीं खाया सुबह से, क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया था, वाणी ने नाश्ता भी नहीं किया है, तो वाणी अपना नाश्ता कर ले, वो सॉरी कुछ खा लेगी अभी आगे, नाश्ता तो वाणी का हो, नाश्ता तो उसने कर लिया, मतलब दूध लिया था उसने खाली, बिस्किट वगैरह भी नहीं लिए थे आज, तो वाणी खा लेगी अभी आके सीधा खाना। और मैं क्या करूंगी, अभी जाऊंगी ऊपर अपना मशीन का काम करती हूँ, सोच रही हूँ आज तबीयत थोड़ी ठीक है, दवाई ले रखी है जैसे, तो फटाफट जाके मशीन का काम कर लेती हूँ अपना, मतलब कटिंग कर लेती हूँ कपड़ों की, और जो कपड़े मेरे पड़े हैं वो ठीक करने के लिए उनको ठीक कर लेती हूँ, तो अपने ब्लॉक की यहीं पे एंडिंग भी कर देती हूँ अभी, और चलते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय।